और इसी बीच बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी की शरण देने को शरण देने वालों की पड़ताल शुरू हो गई है। बड़ी खबर, 9 महीने तक किस किस ने शरण दी, पुलिस इसकी पूरी रिकॉर्ड को जांच रही है, खंगाल रही है, सर्विलांस की मदद से पुलिस जांच कर रही है। याकूब और इमरान को शरण देने वालों को भी आरोपी बनाएगी पुलिस, ये बड़ी जानकारी। याकूब और इमरान के पुराने मुकदमों को भी खंगाला जा रहा है, ये बड़ी जानकारी। किसने छिपा कर रखा, किसने शरण दी याकूब कुरैशी और इमरान को, इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। शरण देने वालों की भी खैर नहीं, 9 महीने तक किस किसने कहां कहां पर शरण दी है, इसके पूरे रिकॉर्ड को पुलिस खंगाल रही है। याकूब और इमरान के पुराने मुकदमों को भी खंगाला जा रहा है, ये बड़ी जानकारी। किसने छिपा कर रखा, किसने शरण दी, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बड़ी खबर है, पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। अतीक अहमद के करीबी इमरान और जिशान समेत 8 लोगों के खिलाफ केस। दलित की जमीन पर कब्जा करने और छेड़खानी का आरोप है। अतीक के करीबियों पर जानलेवा हमला करने और गाली गलौज करने का भी आरोप है। प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। प्रयागराज पुलिस केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये बड़ी खबर देखिए, अतीक अहमद के करीबियों पर किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अतीक के गालीबाज गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। अतीक के करीबी इमरान और जिशान पर केस दर्ज हो गया। इसके साथ ही अतीक के 6 और करीबियों पर भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दलित की जमीन पर कब्जा करने का इन पर आरोप और साथ ही साथ छेड़खानी का भी इन पर आरोप है। अतीक के करीबियों पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है और साथ ही साथ देखिए दलित परिवार से गाली गलौज धमकी देने का आरोप इनके करीबियों पर और साथ ही प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अतीक के करीबी इमरान जिशान की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि करीबी इमरान और जिशान की तलाश में पुलिस लगातार अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।